आज हम लोग जो नया अध्याय चालू कर रहे हैं अध्याय आठ जिसका नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग। हम लोग समाकलन पढ़ के आए हैं। समाकलन के अनुप्रयोग एकदम इजी होगा आप लोग को। हम लोग समाकलन में अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन देखे थे। यहाँ पे पूरा निश्चित समाकलन वाला कंसेप्ट लगेगा और दोनों का सूत्र लगने वाला है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन वाला देखेंगे हम लोग। और इसमें मैं सिर्फ वन शॉट वीडियो लूंगा जिसमें सिर्फ अभ्यास प्रश्न के माध्यम से आप लोग को यह अध्याय पूरा खत्म करा दूंगा। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखो, हर चैप्टर की ना एक दूसरे से लिंक होता है, एक दूसरे से कड़ी जुड़ती जाती है। तो मैं आप लोग को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन देखना जबरदस्त तरीके से बताया, बड़ा वीडियो था, 5-6 वीडियो गए शायद उसमें, ठीक है। फिर मैं अवकलन में आया, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बाद तो मैं आव्यूह सारणी कराया था। लिंक किसका किसका जुड़ता है वो मैं बता रहा हूं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का लिंक सीधा सीधा जुड़ता है अवकलन से। अवकलन में भी मैं 5-6 वीडियो करीब दिया था, उसमें भी आप लोग को मैं पूरा डिटेल कर दिया। अब समाकलन में भी मैं 5-6 वीडियो करीब दिया हूं, किसी में 7 वीडियो भी गया है। तो आप लोग देख रहे हो मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति अवकलन और समाकलन में कम से कम 16-17 वीडियो आप लोग को दे चुका हूं। तो उसमें आप लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जान गए हो, उसमें आप लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक को जान गए, उसमें आप लोग इंटीग्रेशन के बेसिक को जान गए हो। तो इसमें जो है ना सिर्फ आप अभ्यास प्रश्न करने की नीड है, बस आपको मैं कैसे एक शेडेड रीजन का, एक कैसे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। एक वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे आप लोग को, ठीक है। इसलिए मैं पहले के चैप्टर में ज्यादा टाइम दिया बेसिक बनाने के लिए। देखो अभी अब मैं इस क्लास को चालू कर रहा हूं तो आपका पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए, यहां पे बस ध्यान से बस देखते जाना ना, थोड़ा सा बस समझने की देरी। और मैं ये भी बता दूं, ये तो मैं पहले बताता हूं ना कि ये जो है इसमें एक क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? एक क्वेश्चन आएंगे। और ये एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, 6 नंबर के होंगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन फूटेगा इसमें, 6 नंबर का एक क्वेश्चन फूटेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब चलो हम लोग इसकी जर्नी को शुरू करते हैं। इसकी जर्नी को मैं शुरू कर रहा हूं, मैं एक वाई अक्ष बनाया और एक एक्स अक्ष बनाया, ठीक है। ध्यान से बस देखते रहे, ठीक है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ओके। और y को ही हम लोग बोलते हैं f(x), है ना, y को ही f(x) बोलते हैं। मैं बोला आप लोग को कि ये एक पर्टिकुलर कर्व है जिसका यहां से लेके मान लो ये कोई पॉइंट में लिया, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ठीक है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, बस ध्यान से देखते रहना। बस ये वाले स्लाइड में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाऊंगा। चार क्वेश्चन कर लिए तो सब कर लिए। मैं बोला ये जो सैडल रीजन है इसका आप लोग को क्षेत्रफल बताना है, बोला मैं। बताइए इस सैडल रीजन का क्षेत्रफल, ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, इसी का आप लोग को क्षेत्रफल बताना है। ध्यान से देखते रहना, बहुत बेहतरीन तरीके से बस उतारना। इसका आप लोग को क्षेत्रफल बताना है जिसको मैं ऐसे करके शेडेड किया हूं, ठीक है। कैसे बताओगे आप? अगर मैं बात किया एक सर्किल की अगर मैं बात किया, एक मैं आयत की बात करता हूं और एक मैं वर्ग की बात किया, अगर मैं बोला इसका एरिया बताओ, इस पूरे शेडेड रीजन का, इसके अंदर का पूरा एरिया, तो हम लोग को मालूम है एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। और इसमें लंबाई और चौड़ाई सेम होते हैं, तो साइड का स्क्वायर भी बोल सकता हूं, लेकिन इसमें भी हम लोग लगा सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई इसके केस में सेम रहता है। हम लोग को मालूम है ये इसका क्षेत्रफल होता है, हम लोग को मालूम है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूं मैं? ये है क्वेश्चन,
इसका क्षेत्रफल कैसे निकालो, ये तो मेरे को मालूम है। पाई आर स्क्वायर इसका होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका होता है, इसमें साइड का स्क्वायर होता है, या आप लंबाई गुणे चौड़ाई भी बोल सकते हो, ठीक। पर ऐसे कर्व, ऐसे जो वक्र आ गया, इसका मैं कैसे निकालू, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से निकालते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन आप लोगों को पढ़ाया हूं, लिमिट वाला रहता है, याद है, याद है, समाकलन के अध्याय में मैं पढ़ाया था। तो देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से बस देखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से बस देखते जाओ, बस ध्यान से बस देखते जाना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोग को, ये एक आयात है, आप लोग को मालूम है एक आयात है, मेरे को अगर मैं इसका लंबाई और चौड़ाई बोल रहा हूं, ये मान लो 10 सेंटीमीटर, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा इस पूरे शेडेड रीजन का, ये पूरे शेडेड रीजन का क्षेत्रफल कितना होने वाला है? सर आप बोलोगे, सर इसका क्षेत्रफल ए फॉर एरिया ना, क्षेत्रफल इसका होगा सर लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 10 गुणा 5, मतलब कितना होने वाला है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 10 का 1 सेंटीमीटर हो गया, ये देख 1 सेंटीमीटर, और इसके पास भी 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट भी होता है एरिया का, यूनिट इकाई है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे ध्यान से देखो, अगर मैं, मेरे को इस पूरे का एरिया निकालना है, ठीक, इस पूरे का एरिया निकालना है, तो मैं क्या किया, इसके अंदर मैं दो ठो क्या कर दिया, बीच एकदम बरोबर बरोबर, दो ठो इसमें मैं क्या कर दिया, दो ठो आयत रख दिया, मैं दो ठो आयत रख दिया एकदम बरोबर बरोबर, ये बराबर बराबर है ना, तो एकदम ये एकदम बराबर है, तो ये पूरा अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये मैं 5 सेंटीमीटर का रखा हूं, ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है ना, इसकी जो लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, इसकी चौड़ाई, और इसके लिए भी इसकी चौड़ाई तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो मान लो ये जो मेरा पहला बॉक्स है, उसको मैं A1 बोल रहा हूं, A1 बोल रहा हूं, A1, A1 क्या है, सिर्फ ये वाले पार्ट को देखो आप, ये वाले पार्ट को, अभी जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं वाले पार्ट को, अगर मैं इसका एरिया निकालू तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 गुणा 5 क्या होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और A2 को देखो, ये A2 को, ये A2, A2 क्या है, A2 में भी मैं इस शेडेड डिजाइन को देखो, यही तो मेरा ना सेकंड नंबर का बॉक्स है, तो A2 क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है 5, चौड़ाई क्या है 5, 5 गुणा 5 कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं क्या किया, ये बड़ा बॉक्स मेरे को नहीं मालूम, बड़ा बॉक्स में मान लो ये 10 सेंटीमीटर नहीं दिया है, मेरे को ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, दो ठो बॉक्स दे दिया है, और बोला है इस बड़े वाले आयात का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका ये बता रहा हूं जो इसमें काम आएगा। तो मैं क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया, इसको A1 बोल दिया, और इसका एरिया निकाला A2 बोल दिया। अब इन दोनों एरिया को अगर मैं जोड़ दूं तो पूरे बॉक्स का एरिया आ जाएगा, पूरे बॉक्स का एरिया आएगा, तो मेरे को पूरे आयात का एरिया चाहिए, तो A1 प्लस A2 को अगर मैं जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले भी आया था, अभी भी आया, तो इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, काम की बात है तभी बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो इसका भी एरिया हम लोग ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत छोटा छोटा आयात रखते हैं, बहुत छोटा छोटा, ये ऐसे बहुत छोटा छोटा, हजार लाख इतने सारे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे करके हम लोग क्या रखते हैं, आयात रखते हैं, ये इसके अंदर बहुत सारा, ये ऐसे करके पूरा रहता है, यहां से लेकर ए से लेकर बी तक बहुत सारा रहता है, हजार लाख हजार पूरा। तो इसको हम सब जब जोड़ेंगे ए से लेकर बी तक, मान लो हजार आयात है, तो सभी आयात को अगर हम लोग जोड़ते जाएंगे तो यहां पे इस वक्र का क्षेत्रफल हम लोग को मिलेगा। तो एक तो कितने आयात है वो हम लोग को नहीं मालूम, और कितने सारे आयात को हम लोग जोड़ते जाएंगे, ये तो यहां पे बस दो ही था तो जोड़ते बन गया, ठीक है, जो दो ही था तो जोड़ते बन गया, क्लियर है क्या। यहां पे कैसे करें, तो यहां पे देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो बहुत सारा आयात नहीं लेता, सिर्फ एक आयात लूंगा, सब समझो, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये सिर्फ इसको भी ध्यान देना, ये वाला जो है एक बहुत छोटा सा
आयात लेता हूं मैं, जो जिसकी मैं ये जो चौड़ाई है ना यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं नाम दिया dx। ये जो dx है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, स्मॉल पार्टिकल है dx। ये x x एक्सिस पे है, तो ये x बराबर एक है, सॉरी x बराबर a है, ये x बराबर b। यहां पे भी x की वैल्यू होगी, यहां पे भी x की वैल्यू होगी, यहां पे भी x की वैल्यू होगी, यहां पे भी x की वैल्यू होगी। तो ये ना किसी पॉइंट x पे स्मॉल सा आयात है जिसको मैं बोला dx, इसकी चौड़ाई को dx। अब x बिंदु पर इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो मान लो यहां पे वो है f ऑफ x, और f ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं, y भी बोलते हैं, y भी बोलते हैं। तो इस आयात का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयात का क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं, आयात का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, आयात का क्षेत्रफल, आयात का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयात का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखो लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स, एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई भी बोलते हैं, तो वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, किसकी, आयात की, आयात का क्षेत्रफल। अब मेरे को आयात का क्षेत्रफल तो नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इस पूरे कर्व का क्षेत्रफल ए से बी में। तो कैसे करते हैं, इस आयात को सबको जोड़ते जाते हैं, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना, सम करते जाते हैं, एक समेशन होता है ये, ऐसे करके इसमें डिस्क्रीट फंक्शन को जोड़ते जाते हैं, और ये भी इंटीग्रेशन जब करते हैं इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ते जाते हैं। तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा, इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मैं बात कर रहा हूं, वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा, घिरा हुआ वक्र का, वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हम लोग लेंगे, यही हम लोग लेंगे y इंटू डी एक्स, मान लो y इंटू डी एक्स का आयात है, इसको हम लोग यहां से लेकर पूरा यहां से लेकर b तक इसको मूव करवाएंगे, a से चालू करेंगे चलना और ऐसे b तक जाएंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे a से लेकर b तक। तो इस वक्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, इस वक्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए से बी, ए से बी वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, बस आप लोग को यही करना है, बस आप लोग को यही करना है, बस आप लोग को यही करना है। ये कब होगा, एक्स एक्सिस के सापेक्ष, एक्स एक्सिस के सापेक्ष ये होगा, ध्यान देना। और वाई एक्सिस के सापेक्ष अगर मैं बोलूं, y एक्सिस के सापेक्ष अगर मैं बोलूं, तो ध्यान से देखना y एक्सिस के सापेक्ष क्या होने वाला है, अगर मान लो कोई मेरा, अगर मान लो कोई मेरा वक्र, ये हुआ x अक्ष, ये हुआ y अक्ष, y एक्सिस के सापेक्ष मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा, मैं यहां से लेकर यहां तक का एरिया मैं चाहता हूं, ये मान लो a से b, इस शेडेड रीजन का एरिया चाहता हूं, इस शेडेड रीजन का एरिया चाहता हूं, तो वही एक आयात लगाऊंगा मैं, एक आयात लगाऊंगा, जो ये आयात है एक छोटा सा आयात लगाऊंगा मैं, ये छोटा सा आयात लगाऊंगा, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहें, इसको ए से बी में, ए से बी में ऐसे मैं मूव कराऊंगा, तो ये जो होगा ना, ये इसकी जो चौड़ाई होगी ना, ये डी वाई होगी, यहां पर डी एक्स थी, यहां पे dx थी, x के सापेक्ष था, x एक्सिस, यहां पे क्या है y एक्सिस, तो dy, और इस y बिंदु पर इसकी जो लंबाई होने वाली है, यहां पे क्या था f ऑफ x, तो यहां पे हो जाएगा f ऑफ y, यहां पे था y, ये हो जाएगा x, सिंपल। तो यहां पे क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, इसका शेडेड रीजन का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन a से b, a से b x, x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। अब दोनों को आप लोग समझ जाओगे, जब कभी भी x एक्सिस वाला रहता है तो हमेशा डी एक्स रहता है, और ये तो लिमिट जहां से जहां तक निकालना है, हमेशा x एक्सिस मतलब डी एक्स, x एक्सिस मतलब डी एक्स, y एक्सिस मतलब डी वाई, y एक्सिस y एक्स के सापेक्ष मतलब डी वाई, ठीक है। अगर डी एक्स है तो यहां पे y की वैल्यू लिखते हैं, अगर यहां डी वाई है तो x की वैल्यू लिखते, बस ये। तो ये पूरा आप लोग को बताया, अब क्वेश्चन में आप लोग को ये समझ में आएगा,
क्या है, कैसा है, पूरा क्वेश्चन में आएगा। मैं बताया ये दो, एक बड़ा आयात का क्षेत्रफल, इसके अंदर बहुत सारे आयात को जोड़ के सभी आयात का क्षेत्रफल निकाल दो और उसको जोड़ दो तो बड़े आयात का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दो आयात को लेके जोड़ के मैं बड़े वाले आयात का क्षेत्रफल निकाला। उसी प्रकार ये बताने के पीछे रीजन था कि यहाँ पे बहुत सारे हजार लाख आयात आएंगे, उन सबको जोड़कर हम इसका इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन सब आयात तो कैसे जोड़े, तो भाई हम जाते हैं कंटिन्यूअस में, जब सम करना रहता है डिस्क्रीट में, समेशन में ये लगता है। अभी डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में नहीं जाऊंगा मैं, अभी इतना डीप में बात नहीं करूंगा, अभी आप लोग को बेसिक क्लियर हो जाए, पेपर में आप लोग को क्वेश्चन बने इतने की बात करूंगा, अदरवाइज जो मेरे ऐप में मैं वीडियो बनाया उसमें बहुत डीप में बात किया। तो यहां पे बस क्या करेंगे, एक ठो आयात ले देंगे, बहुत बहुत ये छोटा चौड़ाई का है जिसको dx बोल दिया, और यहाँ पे जो लंबाई है इसको y बोल दिया, तो ये क्या हो गया, लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है, ये आयात का क्षेत्रफल हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आयात को यहां से यहां तक का ले रहा हूँ, उसका सम ले रहा हूँ, तो सम की जगह मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ, कहां से, a से b तक। ये मोटा मोटा का अब क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो अब क्वेश्चन करता हूँ, क्या दिया ध्यान से देखो, सॉल्व, ये मैं लिखा सॉल्यूशन, बोला है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू x, रेखाओं x बराबर 1 कॉमा x बराबर 4 एवं x अक्ष से, देखो x अक्ष से, ओके, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप लोग को ये रेखा बनाने आना चाहिए पूरा। अब ये तो भैया रेखा बनाने आप लोग दसवीं से सीख रहे हो, तो मैं एक एक रेखा नहीं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में डील करेंगे हम। तो देखो यहां पे ये मैं वाई अक्ष बना लेता हूं, ये मैं बनाया एक्स अक्ष, ये मैं बनाया एक्स, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, एक वक्र है, एक वक्र है, वो वक्र क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक वक्र ये हो गया, एक रेखा क्या है एक्स बराबर, एक्स बराबर 1, और एक क्या दिया हुआ है एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स का कैसे हम लोग वक्र बनाते हैं, देखो जिसकी घात कम है मुंह उधर खुलता है, यहाँ पे घात एक देखना रहता है, घात एक देखना रहता है, घात एक किसका है, वाई का है कि एक्स का है, एक्स का है, तो एक्स एक्सिस की तरह मुंह खुलेगा, तो ऐसा करके ये वक्र बनेगा, ये ऐसा पर वाला है, ऐसा बनता है, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, जिसकी घात एक है उधर मुंह खुलता है, तो एक्स की घात एक है तो देखो एक्स की तरफ मुंह खुला, एक्स की तरफ मुंह खुला, ये हो गया। अब यहां पे x का मान होगा x बराबर 1, ये 0, x बराबर 2, यहां पे क्या x बराबर 3, x बराबर 4 है, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो कहां पे है देखो ध्यान से देखो कहां पे है, x बराबर 1 पे है, तो x बराबर 1 पे एक ठो एक्सिस बना दो, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे, ये मैं x बराबर 1 पे बनाया, x बराबर 1 पे बनाया, और कहां पे बनाना है x बराबर 4 पे, तो ठीक है ये मैं बनाया x बराबर 4 पे, ये इसको थोड़ा सा सरका लेते हैं, इसको एक्जेक्टली x बराबर 4 पे नहीं बना है, ये x बराबर 4, ठीक है। अब नाम भी लिख दो भाई साहब का, ये क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये क्या है x बराबर 4, ये वाला ना डंडी x बराबर 4 है, ये क्या है x बराबर 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है x अक्ष से, ये x अक्ष से घिरे प्रथम पाद का क्षेत्रफल, मतलब इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को निकालना है, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं ना, ये हम लोग को निकालना है, ये ध्यान से बस देखते रहो, ये हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को बताया, एक रेक्टेंगल लगा दो, एक यहां पे ऐसे करके, ये यस ठीक है, समझ में आया, ये अब इसी को मूव कराएंगे, कहां से कहां तक मूव कराएंगे, देखो कहां से कहां तक, सबसे पहले तो ध्यान दो कि मूव कहां तक कराना है, ये यहां से लेकर यहां तक मूव कराना है, और हमेशा ये जो शेडेड रीजन लेते हैं ना वो हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखते रहो, और ऐसा लेते हैं जहां पे सभी सभी जो रेखा दिया हुआ है, सभी वक्र दिया है वो आ जाए,
तो देखो इस शेडेड रीजन में जो जो हम लोग को गिवन है वो टच हुआ है। देखो ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है ये किसका है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये वाला हम लोग को यूज हो गया। और ये किसका है, ये है x इज इक्वल टू 4, ये भी यूज हो गया। प्रथम पाद बोला है भाई तो x एक्सिस के सापेक्ष बोला है तो x एक्सिस होगा। और ये कौन सा है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 भी यूज हो गया, x इज इक्वल टू 4 भी यूज हो गया। तो हम लोग को जितना रेखा या वक्र दिया हुआ है सब टच होना चाहिए इस आयात से। इस आयात को यहां से लेकर ऐसे करके पूरा ले जाऊंगा तो मेरा ये देखो ये लाइन भी टच हो जाएगा, वक्र भी टच होगा और ये वाला लाइन भी टच होगा, पहला चीज। दूसरा चीज जिसको हम लोग शेडेड कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वो क्लोज्ड लूप होना चाहिए, यानी बंद रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर से देखो ये पूरा ऐसे करके बंद है, पूरा बंद है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, मैं आप लोगों को बताया था ए से बी वाई डीएक्स होता है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष तो डीएक्स और इधर वाई होता है। ए और बी क्या है, ए ये होता है यानी एक है, बी क्या है ये होता है चार, है ना। ए जहां से स्टार्ट करे बी जहां तक जाना है, y की वैल्यू निकाल लो। ये देखो y की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, y की वैल्यू यहां से निकालू क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया होगा ना y की वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन होगा y स्क्वायर x है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट x। तो y की दो वैल्यू आई, एक क्या आया प्लस रूट x और एक क्या आया माइनस रूट एक्स, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई जो होता है पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, वाई नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, क्योंकि पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई धनात्मक होते हैं और यहां पे बोला है प्रथम, ठीक है। तो हम लोग वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, मतलब ये आ गया रूट एक्स डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना आप लोग को आता है, यह आप लोग को पहले बता दिया गया है, एक्स की पावर 1/2। अब इसमें फॉर्मूला लग रहा है एक्स की पावर एन वाला, फॉर्मूला लग रहा है इसमें एक्स की पावर एन वाला, जो फॉर्मूला जो मैं बताया था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। ये अनिश्चित समाकलन का था, ये निश्चित समाकलन में। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, ये क्या है 1/2 एन है, प्लस वन अपॉन एन प्लस वन 1/2 प्लस वन। अब मैं इसमें आपको पहले समाकलन में बता चुका हूं कि लिमिट पुट करेंगे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, लिमिट पुट करेंगे, ध्यान से देखते रहना, लिमिट पुट करने वाला यहां पे मैं पुट करने वाला हूं, बस ध्यान से देखते रहना आंसर आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं i इज इक्वल टू एक और आधा डेढ़ होता है, डेढ़ को लिखते हैं 3/2, या तो लघुत्तम निकाल लो उससे भी आ जाएगा 3/2, क्लियर है क्या, एक से चार जहां जहां x के सापेक्ष कर रहे हैं तो जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे लिमिट लगाऊंगा। तो यहां पे पहले ध्यान से देखो, पहले तो अरेंज करो, ये 3/2 है, 3/2 है तो ये ऐसे पलट के आ जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, पलट जाता है तो ये क्या बचा, x की घात 3/2 1 से 4। अब कैसे लिमिट पुट करना सिखाया हूं मैं, ये 2/3, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह में अपर लिमिट पुट होगा तो 4 की घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह लोअर लिमिट क्या है 1 की घात 3/2, ये आया, बस ध्यान से देखते रहना आंसर आ गया। 6 नंबर का सवाल है भाई, ये 2/3 यहां पे देखो 4 की घात 3/2 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 की घात 3/2 है, क्या मैं 4 को ऐसा लिख सकता हूं 2 की घात 2 और यह है 3/2, जब घात की घात होते हैं तो गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 2 और गुणा 3/2, ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 2 की घात 3 और 2 की घात 3 क्या होता है 8 होता है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट 8 लिख रहा हूं 8, और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है ये, ठीक है क्या। तो 8 में से 1 गया यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं, ये 2/3, ओके सर 2/3 गुणा 8 में 1 गया 7, मतलब आई जो मेरा आया वो आया 7 × 14/3 वर्ग इकाई यूनिट है भाई वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ये आंसर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया शेडेड रीजन का।
अब क्वेश्चन टू करूंगा वो आप लोगों को समझ में आएगा, आएगा क्वेश्चन टू समझ में आएगा। जबरदस्त तरीके से मैं बताया, जबरदस्त तरीके से पूरा चीज में बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू जब हम लोग देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर टू पूरा समझ में आएगा, ये कंसेप्ट आप लोग समझो। क्वेश्चन नंबर टू अब हम लोग चालू करते हैं।